हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका अपने चैनल मूवी में। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन आवर मूवी फैमिली। थैंक यू। नाउ दैट्स इट, लेट्स बिगिन। तो सनी फैमिली कौन है? ये कल्ट है जिसमें सब एक दूसरे को ब्रदर एंड सिस्टर मानते हैं। इस कल्ट का काम था इस वर्ल्ड में केओस को दूर करना एंड सोसाइटी की बुराई को उखाड़ फेंकना। सनी फैमिली एक स्मॉल टाउन में काम करते हुए 30 साल से भी ज़्यादा हो चुके थे एंड 30 सालों से ये कल्ट सीक्रेटली ऑपरेट कर रहा था। लोकल लोग सनी फैमिली कल्ट को बस एक अर्बन लेजेंड समझते हैं एंड करेंटली सनी फैमिली का लीडर था एलायस। एलायस की वाइफ कैरन भी है एंड ये भी इस कल्ट का एक हिस्सा थी। इन दोनों की टेलर नाम की एक छोटी बेटी है जिसे इस सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता। एक रात एलायस और कैरन घर से देर रात बाहर जाते हैं एंड उनके घर पर बाकी के कल्ट मेंबर्स किसी रिचुअल की तैयारी में लगे हुए थे, जहां टेलर को एक बहुत ही बड़ा शॉक लगने वाला है। एलायस एंड कैरन रिचुअल के लिए एक सैक्रिफाइस ढूंढने निकले थे एंड परफेक्ट उन्हें रास्ते में एक ड्रंक आदमी मिल जाता है जिसे ये लोग हेल्प करने के बहाने गाड़ी में बैठा लेते हैं। बीच रास्ते में कैरन और एलायस क्रिपी मास्क पहने हुए इस आदमी को घायल कर देते हैं एंड उसे अपने घर ले जाते हैं ताकि वो लोग रिचुअल को पूरा कर सके। आज सनी फैमिली कल्ट में एक न्यू मेंबर ज्वाइन कर रही थी एंड अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, अगर किसी को भी सनी फैमिली कल्ट ज्वाइन करना है तो उसे पहले ओल्ड ब्लड की सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी। रिचुअल में कल्ट की न्यू सिस्टर एक नाइफ लेकर इस आदमी के गले को काट देती है। ये सब टेलर देख लेती है एंड फिर बाथरूम में जाकर छिप जाती है। एलायस एंड कैरन टेलर को समझाते हैं कि ये कल्ट इनकी फैमिली है एंड ये सब मिलकर उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये कहते हैं कि सनी फैमिली कल्ट सोसाइटी की बुराई को दूर कर रही है एंड वी कम टू नो कि सनी फैमिली कल्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को सैक्रिफाइस करती है जो कि सोसाइटी में बुरे थे, ना कि किसी को भी उठाकर मार देना। अब वक्त बीत जाता है एंड टेलर 4 से पूरे 12 साल की हो जाती है। करेंटली एलायस बहुत ही परेशान था क्योंकि टाउन में कोई दूसरा आदमी सनी फैमिली कल्ट की नकल करके लोगों को मार रहा था। कॉपीकैट ने टाउन में एक छोटे बच्चे को मार डाला था जो कि सनी फैमिली कल्ट कभी भी नहीं करेगा। टेलर अपने फादर एलायस से डिमांड करती है कि वो बड़ी हो चुकी है एंड उसे भी कल्ट को ज्वाइन करना था। एलायस बात मान जाता है लेकिन टेलर की मदर इससे साफ इनकार कर देती है। इस पर टेलर गुस्सा हो जाती है एंड अकेले ही कॉपीकैट किलर के घर पहुंच जाती है। वहां पर कॉपीकैट टेलर को ऐसा दिखाती है कि उसे मदद की जरूरत है। कॉपीकैट किलर खुश हो जाता है क्योंकि वो टेलर को अगला शिकार बनाने का सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर एलायस बाकी कल्ट मेंबर्स के साथ आ जाता है एंड कॉपीकैट किलर को मार देता है। एलायस टेलर को यहाँ पर बहुत डांटता है क्योंकि टेलर को मना करने पर भी वो यहाँ पर अकेले आ गई थी। एलायस अपना डोमिनेंस दिखाते हुए कहता है कि कल्ट उसका है एंड कोई भी उसके ऑर्डर्स के बिना कुछ नहीं करेगा। अब अगेन वक्त आगे बढ़ जाती है एंड टेलर अब पूरी 17 साल की हो चुकी थी। प्रेजेंट में टेलर उसके क्लास के लड़के के साथ हैंग आउट कर रही थी, लेकिन इसके इरादे कुछ अलग थे। सनी फैमिली ने टेलर को फाइनली कल्ट में ज्वाइन करने की अप्रूवल दे दी थी, लेकिन सेक्रीफाइस उसे करनी पड़ेगी। टेलर ने इस लड़के को यहाँ पर हैंग आउट करने के बहाने बुलाया था जबकि असलियत में ही उसे मारने वाली थी। बट एक मोमेंट के लिए हम टेलर को ये सब भूलता देखते हैं जहाँ पर वो लड़के से पूछती है कि क्या उसे भी अपने लाइफ में रूल्स पसंद है। टेलर अब यहाँ पर लड़के को मारने से इनकार कर देती है, जहाँ एलायस उसे अपनी फैमिली को धोखा ना देने कहता है। टेलर फिर भी उस लड़के को नहीं मार पाती, जिस पर एलायस खुद ही चाकू लेकर काम को अंजाम दे देता है। एलायस टेलर से बहुत ही गुस्सा था क्योंकि ये पूरी रात टेलर के लिए ही प्लान किया गया था एंड उसने फैमिली को धोखा दिया है। एलायस क्लियर स्टेट कर देता है कि टेलर के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। टेलर अपने फादर से कहती है कि वो नेक्स्ट टाइम सब कुछ ठीक कर देगी। टेलर की नेक्स्ट अटेम्प्ट टू किल से पहले हम एक फ्लैशबैक देते हैं ऑफ द पास्ट April 1, 1982, जहां पर सुनसान सड़क पर एक अकेला आदमी खड़ा था। यहां पर एक उड़ता हुआ पेपर प्लेन आती है जिस पर सनी फैमिली कल्ट की सिंबल बनी हुई है। पीछे से एक कपल आकर इस आदमी को मार डालती है एंड ये दोनों कोई और नहीं बल्कि एलायस और कैरन ही थे। इससे हमें आइडिया आता है कि सनी फैमिली कल्ट कितनी पुरानी कल्ट है। स्क्रीन प्रेजेंट में आती है जहाँ पर टेलर उसके दोस्तों के साथ नाइट आउट कर रही थी। ये लोग यहाँ पर टूथ एंड डेयर गेम खेलते हैं जिसमें एरन नाम का एक लड़का टेलर को अकेले 7 मिनट स्पेंड करने की डेयर देता है। एरन टेलर दूसरे रूम में चले जाते हैं जहाँ पर बाकी 3 लड़कों को अंदर से स्ट्रेंज नॉइजेस आती है। अंदर से टेलर खून से सनी हुई हाथ में चाकू पकड़े बाहर आती है एंड इनसे कहती है कि एरन अब मर चुका है। इन दोनों को ये मजाक लगता है लेकिन अंदर देखने पर एरन सच में मर चुका था। इससे पहले कि ये लोग कुछ रिएक्ट करे घर की लाइट चली जाती है एंड जब लाइट वापस आती है तब तक दूसरी लड़की भी मर चुकी थी। यहाँ पर सिमिलरली 1982 की तरह ही एक पेपर प्रिंट उड़ती हुई आती है जिस पर सनी फैमिली कल्ट का सिंबल था। ये दो लड़के जब टेलर की ओर देखते हैं, टेलर एक सनी फैमिली मास्क पहने हुए इन दोनों पर हमला करके सैक्रिफाइस को पूरा करती है। एलायस एंड कैरन भी मास्क पहने हुए अंदर आते हैं एंड सब मिलकर डेड बॉडीज के साथ एक सेल्फी लेते हैं क्योंकि टेलर भी सैक्रिफाइस के बाद सनी फैमिली कल्ट का एक हिस्सा बन चुकी थी। एंड इसी के साथ सीजन 1 एंड हो जाती है। सीजन 2 के स्टार्ट में हम टेलर को क्लास में कुछ खाली डेस्क की ओर देखते हुए देख पाते हैं जो कि नो डाउट उन्हीं क्लासमेट्स के थे जिसे उसने पहले मार डाला था। पीछे जेना नाम की एक लड़की टेलर को पोक करते हुए इससे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करती है कि
उस बेंच पर बैठने वाले या तो घर छोड़ के भाग गए थे या फिर अब तक मर चुके हैं। जेना टेलर से कहती है कि पिछले 3 साल से ये लोग एक ही क्लास में हैं एंड अब टेलर को भी जेना में एक रियल दोस्त नजर आती है जो कि उसे बचपन से कभी मिला ही नहीं। इन किलिंग्स के चलते टेलर की फैमिली में भी दरार आने लगी थी एंड डिनर के दौरान एलिस टेलर से पूछता है कि क्या उसे इन किलिंग्स के बाद रिग्रेट आ रही थी। टेलर डिनर के बीच में ही उठ जाती है एंड एलिस उसका पीछा करता है लेकिन केसी उसे रोक लेती है जहाँ पर एलिस बहुत ही गुस्सा था क्योंकि टेलर खुद ही कल्ट का हिस्सा बनना चाहती थी। इस समय पता चलता है कि टेलर अभी भी अंदर से ये सब नहीं चाहती थी। स्कूल के बाहर रॉजर नाम का एक न्यू कैरेक्टर को हम देखते हैं जो कि टेलर से खुद को एज अ सब्स्टिट्यूट टीचर इंट्रोड्यूस करता है एंड बाद में एज अ डिटेक्टिव जो कि सरासर झूठ था। रॉजर भी कल्ट का एक पार्ट था जो कि बहुत वक्त के बाद टाउन में वापस आया हुआ है किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए। अब ये काम क्या था हमें आगे पता चलेगा। क्लास में रिग्रेट फील कर रही टेलर को हेलुसिनेशन आते हैं अबाउट द कल्ट लेकिन लकीली यहाँ पर जेना आती है एंड टेलर रियलिटी में वापस आ जाती है। जेना के साथ टेलर को दोस्ती का एक नया एहसास महसूस हो रहा था लेकिन इस दौरान एक मास्ट आदमी इन पर हर वक्त नजर रखे हुए था एंड मास्ट आदमी इन दोनों पर लाइब्रेरी में अटैक कर देता है। टेलर को स्कूल के बाहर एलिस मिल जाता है जो कि किसी रीजन से बहुत ही परेशान था। टेलर एलिस से अटैक की बात करता है एंड एलिस का कहना था कि सनी फैमिली का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं करेगा। इसका मतलब ये था कि मास्ट आदमी कल्ट का हिस्सा ही नहीं है। टेलर अब कल्ट लाइफ से बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुकी है एंड उसे अब बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। स्कूल में जेमा टेलर से अपने बॉयफ्रेंड से मिलाती है जिस पर टेलर इतना गुस्सा हो जाती है कि उसे मारने का इमेजिन करती है। आज टेलर का बर्थडे था इसलिए तीनों मिलकर उसके घर में सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ पर एलिस और केसी इन तीनों पर नज़र रखे हुए थे क्योंकि ये लोग इनको नहीं जानते। पार्टी के बाद जेमा अपने घर चली जाती है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड अपने बाइक पंचर होने की वजह से उसे देर हो जाती है। झाड़ियों में से वहाँ मास्टर आदमी आकर उसे चाकू से मार देता है। टेलर को जेमा के बॉयफ्रेंड की बॉडी मिलती है जो कि मर चुका था। यहाँ पर उसे सनी फैमिली की एक सिंबल मिलती एंड यहां पर उसे कुछ समझ नहीं आता। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस कहां है इस टाउन में। फाइनली हम एक पुलिस ऑफिसर रॉबिन को देखते हैं जिसे जंगल के अंदर एक कटा हुआ हाथ मिलता है। रॉबिन बहुत वक्त से इस केस पर काम कर रही थी लेकिन उसके हाथ कुछ भी एविडेंस नहीं लग रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर रॉबिन की एक बेटी थी जिसका नाम एली है। एली भी उसी स्कूल में पढ़ती है जहाँ पर टेलर पढ़ती है। एली टेलर को स्कूल में अक्सर बुली किया करती थी एंड क्लास के दौरान वो अपने दोस्तों को जंगल में मिले हुए हाथ के बारे में बताती है। एली जोकिंगली इनसे कहती है कि किलिंग्स के पीछे टेलर और जेना का हाथ है एंड वी कम टू नो दैट शी इज़ नॉट ए नाइस पर्सन। एली की मदर पुलिस में होने की वजह से वो खुद को एज ए डिटेक्टिव समझती है एंड एली इन जंगल में क्राइम सीन पर पहुंच जाती है जहां पर टेलर और जेना मिल जाते हैं। इन्हें यहाँ पर कोई आवाज सुनाई देती है जिस पर टेलर और जेना घर चले जाते हैं लेकिन एलिन अकेले ही जंगल में चली जाती है जहाँ पर मास्ट आदमी उस पर हमला कर देता है। हमले के दौरान एलिन एक खाई में गिरती है जहाँ उसे एक डेड बॉडी मिलती है। मास्ट आदमी बजाय एलियन को मारने के उसे वार्निंग देते हुए छोड़ देता है क्योंकि वह ऐसा करते हुए पुलिस इंस्पेक्टर रॉबिन को उसकी बेटी की आड़ में डराना चाहता था। एली अपनी मदर पुलिस इंस्पेक्टर रॉबिन को सारी इंसिडेंट एक्सप्लेन करती है लेकिन क्राइम सीन पर उन्हें डेड बॉडी नहीं मिलती इसलिए रॉबिन उसकी बेटी की बात को झूठ समझती है। दूसरी ओर सनी फैमिली कल्ट में टेंशन चल रहा था क्योंकि एक फैमिली मेम्बर उनकी कल्ट को छोड़ना चाहता है एंड ऐसा हादसा दूसरी बार कल्ट में 30 सालों बाद हो रहा था जब कोई कल्ट को छोड़ना चाहता है। सॉरी लेकिन कल्ट में एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इसलिए बाकी कल्ट के मेंबर मिलकर इसे मार देते हैं। अब एलिस परेशान था इस बात से क्योंकि उसे डर था कि टेलर भी ऐसा ना करे। कैरेन एलिस को समझाती है कि उसे टेलर को कल्ट के लीडर की तरह नहीं बल्कि एज अ फादर समझाना चाहिए। मीनवाइल एली भी अपनी जासूसी में लगी हुई है एंड उसे यहाँ पर एक सनी कल्ट की सिंबल मिलती है। इस पर और रिसर्च करने पर एलियन और दोस्तों को सनी फैमिली कल्ट की पूरी पास्ट के बारे में पता चलता है। एलिस भी टेलर को एक पिता की हैसियत से समझाता है कि चाहे वो कुछ भी चुने वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। अब टेलर को घर के बाहर रॉजर को देखते हैं जो कि खुद को एज अ डिटेक्टिव बताता है। टेलर इस बात को यकीन करके रॉजर के साथ चले जाती है पुलिस स्टेशन उसके सवालों के जवाब देने एंड अब खुलते हैं रियल ट्विस्ट। पुलिस स्टेशन आने पर भी रॉजर गाड़ी को नहीं रोकता एंड जब टेलर पीछे देखती है तो बैक सीट पर उसे एक कुल्हाड़ी मिलती है एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो मास्टर आदमी और कोई नहीं बल्कि रॉजर ही है। टेलर रॉजर से पूछती है कि उसे क्या चाहिए जिस पर रॉजर सेज यू एंड हम यहाँ पर रॉजर के पास के बारे में जानते हैं जहाँ फ्लैशबैक में वक्त था May 9, 1995। यहाँ दो टीनेज सनी कल्ट मेंबर एक मर्डर कर रहे थे एंड ये दोनों एलिस एंड उसका भाई रॉजर थे। ये उस वक्त की बात है जब एलिस एंड रॉजर टीनेजर्स थे लेकिन यहाँ पर हम कुछ अलग देखते हैं क्योंकि पूरी मूवी के दौरान हमने जिस एलिस को इतना डिटरमाइंड और कॉन्फिडेंट देखा था वो यहाँ पर किल करने से कतरा जाता है बल्कि रॉजर उल्टा उसे इरिटेट होकर फैमिली के ट्रेडिशन को रेस्पेक्ट करने को कहता है। एलिस भी अपनी बात रखते हुए कहता है कि वो एंड रॉजर अलग हैं एंड जरूरी नहीं कि उन दोनों
दोनों की सोच एक ही हो। ये सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि एलिस जो कि अपनी बेटी टेलर को इतना फोर्स कर रहा था फैमिली के रूल्स को लेकर, अपने वक्त में टेलर के जैसा ही सोच रखता था। एंड दूसरा ये कि अगर रॉजर कल्ट का हिस्सा था तो अब तक कहाँ था। शायद रॉजर वो इंसान था जिसने 30 साल पहले कल्ट को छोड़ दिया था, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो अब तक जिंदा कैसे हैं, क्योंकि कल्ट ने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा था। रॉजर पूरे 30 साल बाद कल्ट से अपना बदला लेने आया था, स्पेशली एलिस से, क्योंकि शायद कल्ट ने पास में उसे लीडर ना बनाकर एलिस को लीडर बना दिया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, रॉजर टेलर को मारने से ज्यादा इंटरेस्टेड एलिस और कल्ट से बदला लेने में था। रॉजर टेलर को किडनैप करके यहाँ से चले जाता है एंड इसी के साथ सीजन 2 एंड हो जाती है विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सनी फैमिली किसी भी तरह से टेलर को ढूंढ निकालेगी एंड तब रॉजर की मौत होनी ही है। तो अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सा भी अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है तो डू डिसलाइक। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल पर बने रहें एंड कमेंट सीजन 3 बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन।